नमो अहंकारम नमो सिद्धारम नमो वाज्यानम नमो वज्रायानम नमो लोये सवसाहूलम शुद्धात्मान मणिकांतम साधुमत्तम मंगलम वंदे संदृष्टि सिद्ध्यर्थम संदृष्टि अर्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंदकुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमहुता ही आते भय अर्हंताज महान परम पुरुष निज अर्थ को साज भय गुण वृंद आनंदामृत चंद्र को वंदत हूँ सुखकंद। यद्यपि तीर्थंकर प्रकृति का उदय तो केवल ज्ञान होने पर होता है, इससे पहले के जो कल्याणों का के उत्सव हैं उनमें तो तीर्थंकर प्रकृति के साथ होने वाले पुण्य के फल हैं। ऐसे समझें जैसे समुद्र के या सरोवर के, समुद्र न कहें सरोवर कहें, सरोवर के ज्यो ज्यो समीप जाते जाओ हवा में ठंडक होती है, ऐसे तीर्थंकर प्रकृति कोई अकेली तो बनती नहीं है। तीर्थंकर प्रकृति के साथ शेष पुण्य प्रकृतियां भी बनती हैं, आपको मालूम होना चाहिए करना नियोग से। प्रति समय जीव के परिणामों का निमित्त पाकर के सात कर्मों का बंध चल रहा है। परिणामों के अनुसार कैसे कि जिस समय पाप रूप परिणाम होते हैं उस समय घातिया कर्म का या घातिया कर्म की प्रकृतियां तो पाप ही रूप है, पुण्य रूप है ही नहीं। घातिया कर्म का तीव्र बंध होता है माने बड़ी तेजी से ज्ञान आदि का घात होता है, ये समझो। पाप परिणामों से लिखा भी है नीति में चरणान योग शैली से, विषयाशक्ति चित्ता नाम गुणों को व न सती। विषयाशक्त पुरुष के कौन से गुण का नष्ट नहीं नाश नहीं होता, तो जब गुणों का नाश होता है तो उनके नाश करने वाले कर्म का भी बंद होगा ना, घातीय कर्म का। तो पाप के परिणामों से घातीय कर्म का तीव्र बंध होता है और अघातीय कर्मों में पाप प्रकृतियों का विशेष आश्रय बंध होता है। और जब शो परिणाम होते हैं अर्थात धर्मानुराग होता है, वहां विषयानुराग और यहां धर्मानुराग, जब जीव को धर्मानुराग होता है तो परिणाम की चर्चा थोड़ी सी करना आगम के अनुसार। जब देवसास गुरु के प्रति भक्ति भाव होता है, उन जैसी वितरागता प्रकट करने का भावना होता है, उनके आत्मिक गुणों के प्रति बहुमान भाव होता है, प्रमोद भाव होता है, गुणेषु प्रमोदम प्रमोद भाव, खड़े होना नृत्य करने लगना शर्म लगती है। और इन भगवंतों के बाल पने के उत्सव में जन्म कल्याणक में और इंद्र ऐसे नृत्य करने लगता है,
जब मन में आनंद होता है तो वचन और काया में स्वयं ही प्रकट हो जाता है। मन में बहुमान और गुणों का चिंतन जब होता है तो अपने आप, एक साहित्यिक शब्द पढ़ा होंगे आपने, मन मयूर नाचने लगता है। तो मन और मयूर कहाँ है और कहाँ है, माने प्रसन्न होने लगता है। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने कहा है, मोह में मत नाचो, ये मेरा है, मैंने किया है, इसे मेरी शोभा है, मोह में मत नाचो, परमाणु मात्र मेरा नहीं है, ऐसे वेद ज्ञान पूर्वक आनंद में नाचो। अज्ञान चेतना का प्रलय करता है ज्ञानी, और ज्ञान चेतना को नचाता है, ये लिखा। मोह में मत नाचो, हमने किया है, हम कर रहे हैं, ये हमारी हमारी कृति है, हमारा हमारी रचना है। अपने आंगन बनाओ, हमने हमने अपने आंगन जन ये सारी संपदा कमाई है, अरे अंगा ही तुम्हारा नहीं है, हमने अंग से बनाया है, माने तो हमने नहीं बनाया है, सीधा अर्थ होगा। जब अंग ही तुम्हारा नहीं है, शरीर ही तुम्हारा नहीं है, तो तुमने क्या किया होगा? तुमने किए हैं केवल विकल्प। तो धर्मानुराग होता है, माने देव गुरु धर्म के प्रति भक्ति होती है, धर्मात्माओं से प्रेम होता है, दुखियों के प्रति दया होती है, व्रतशील संयम रूप परिणाम होते हैं, भावनाएं होती हैं। उस समय घातिया कर्म का मंद बंद होता है, मंद बंद, और अघातिया कर्म में पुण्य प्रकृतियां बनती हैं। उसमें सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृति है तीर्थंकर प्रकृति। उस तीर्थंकर प्रकृति का उदय होने पर क्या होता है? पुण्य फला अर्हंता इस गाथा में लिखा है। इसका अर्थ क्या लेते हैं लोग? अरहंत दशा पुण्य के फल से होती है, ऐसा नहीं है। अरहंतों की जो बाह्य विभूति है समोसरण आदि की, वह सब पुण्य का फल है। अरहंत दशा अथवा अनंत चतुष्टय वह तो वीतरागता का फल है, सुदोपयोग का फल है। लेकिन जो समोसरण आदि की रचना हो जाती है, सबके तो नहीं होती, केवल ज्ञान के साथ 10 अतिशय होते हैं, 14 देवकृत अतिशय होते हैं, मंगल विहार होते हैं, धर्म चक्र आदि के सब चक्र, ये सब पुण्य का फल है। विनाशिक है, आंख खोल करके देखने लायक नहीं है, ये कहना। हमने आपको कितनी बार कहा, बाल तीर्थंकर जैसा भी बाहर का रूप नहीं, और 1000 नेत्र तुम बना नहीं सकते, का टुकुर टुकुर देख रहे, क्यों पाप बांध रहे हो? 1000 तीर्थ बाल तीर्थंकर जैसा उत्कृष्ट रूप, अतिशय रूप कहते हैं इसको, सुगंध तन नाय पसीव निहार, प्रियत वचन अतोल बल रुधिर स्वित आकार, ये जन्म के अच्छे है ना, लक्षण 6 और 8 तन सब नाराज संगनन और समचतुर संस्थान, रुधिर श्वेत आकार, श्वेत काय, तुम्हारों का सफेद खून है, हमारो लाल खून है, तीर्थंकरों का सचमुच सफेद खून है, तो हम क्या कहें? माँ को बेटे के प्रति वात्सल्य होता है तो वो दूध के रूप में आंचल में से झरता है। जिनको 3 लोग के जीवों के प्रति वात्सल्य है,
अगर पूरे में सर्वांग में सफेद खून तो क्या आश्चर्य है। क्या आश्चर्य, क्या चित्रम के मात्र। सबेरे एक बात कही थी, ये विचित्र, ये अद्भुत पंच कल्याणक अज्ञानियों को आश्चर्य उत्पन्न करते हैं लेकिन ज्ञानियों को आनंद उत्पन्न करते हैं। वाह, तीर्थंकर जैसा रूप नहीं का देखें, देखो बस दिखाने, वो दिखाने के लिए नया रानी कह रही है देखो, सुदर्शन सेठ कह रहे का देखें, हमने देखने योग्य अपना स्वरूप देख लिया, देखने रूप जन रूप देख लिया, हमारे अंतरंग में शील की इतनी दृढ़ता है, तुम क्या दिखाओ का देखें। ये भगवंतों से शिक्षा लेना चाहिए, विश्व में अपना शुद्ध आत्मा ही देखने योग्य है, जानने योग्य है, विश्वास योग्य है, भाने योग्य है, ध्याने योग्य है, अनंत काल रम जाने योग्य है। बाद बाकी तो दिख जाए तो भेद ज्ञान रखना, सारा लोकालोक देखता है तो भेद ज्ञान वर्ता है कि नहीं, यह परमाणु मात्र मेरा नहीं, भेद ज्ञान रखना। और आप अपनी राख की भूमिका में थोड़ा सा विचार भी रखना, समय रहते सदुपयोग कर लो, और नहीं तो बिजनेस से आएगा। आज तुम्हें पुण्य का वैभव वैभवाणी मिली है, भगवान का गुणगान कर लो, धर्म की प्रभावना कर लो, तत्वों की चर्चा कर लो, और नहीं तो ये बनी थोड़ी रहेगी। हम नहीं कर पाएंगे, हम क्या करें, कर भी लाग रहोगे नहीं तो रहोगे भी नहीं। कितनी बार कहते भैया, चाहे पाठशाला हो, चाहे प्रवचन हो, चाहे सेवा हो, किसी पर एहसान नहीं, अपना पुण्य बंध रहा है और अपना दौड़ रहा है, उस माध्यम से अपने को चिंतन करने का अवसर मिल रहा है, अपना हित समझो, एहसान मत करो। ये एहसान और अभिमान का मार्ग नहीं है, वेद ज्ञान और वितरकता का मार्ग है। क्या कहा, ये एहसान और अभिमान का मार्ग नहीं है, वेद ज्ञान और वितरकता का मार्ग है। ये तिरस्कार और दीनता का मार्ग नहीं है, ये तो अद्भुत आनंद का मार्ग। इंद्र नृत्य करने लगा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं, इंद्र नृत्य करने लगा कोई आश्चर्य नहीं, आश्चर्य है उन भगवंतों की और बाल तीर्थंकरों की शांत मुद्रा, गंभीर मुद्रा जो देख नहीं रही। सारा जगत जिनकी ओर देख रहा है वे अपनी ओर देख रहे हैं, ये है अद्भुत बात। अद्भुत बात ये है, ये नहीं है कि वो सारा देखो कैसा प्रोसेशन सुंदर, कैसे बढ़िया उत्सव मन रहा है। भैया उस उत्सव से भी बिल्कुल विरक्त व्यर्थ है, कोई प्रकार का हर्ष नहीं, किंचित तुम जिन्हें अंतर में भेद ज्ञान वर्षा, किसी प्रकार का अभिमान नहीं, किसी प्रकार की कभी कोई बात हो जाए तो दीनता नहीं। तत्व ज्ञान का फल वैराग्य है, वैराग्य का फल आनंद है, आनंद का फल क्या, आनंद का फल भी चाहिए। पूज्यपाद स्वामी कहते ज्ञान का उत्कृष्ट फल ज्ञान ही है, ज्ञान का उत्कृष्ट फल ज्ञान ही है कि महाराज आनंद के ज्ञान स्वयं आनंदमय है, ज्ञान स्वयं आनंदमय है। ज्ञान के साथ कोई आनंद का कोई संयोग संबंध नहीं है, मनो आलाद्यत बिलसती प्रकटयति,
ऐसी शब्द लिए क्या? ज्ञान आनंद को लाता हुआ ही अपने साथ में लाया। ज्ञान को बुलाना थोड़े पड़ता, भाई तुम भी आ जा। यहां उपयोग अपने स्वरूप में लगा, अनंत गुणों का सर्व गुणान सम्यक तो लिखा ना, यहां सम्यक तो होता है, ज्ञान भी होता है, आचरण भी होता है, प्रभुता भी होती है, बल भी होता है और आनंद भी होता है। अनंत शक्तियों का निर्मल ज्ञान मात्र भाव में अनंत शक्तियां उछलती हैं, उछलती हैं। यह समय उस ज्ञान मात्र भाव का लक्ष्य हुआ उन शक्तियों का निर्मल परिणमन। भले एक देश हो कोई, लेकिन है निर्मल परिणमन। ज्ञान शुष्क नहीं होता, ज्ञान अकेला नहीं होता। जो प्रश्न करते हैं उनके लिए सबसे सुंदर उत्तर याद रखना, अकेले ज्ञान से क्या होगा, ज्ञान अकेला होता ही नहीं। ज्ञान अकेला होता ही नहीं है, कौन कहता है ज्ञान अकेला है। अब हम अकेले क्या कर लेंगे? अरे हमारे हृदय में अनंत भगवंत विराजमान है, संत विराजमान है, हम अकेले के कभी अकेला समझना नहीं और सदा अकेला समझना। बाहर से देखो तो सदा अकेला है और भीतर से देखो तो कभी अकेला नहीं है। जिसके हृदय में भगवान विराजमान है, जिसके माथे पर गुरु विराजमान है, अकेला है वो। कैसी परमार्थ विंशतिका में भावना लिखी है, सुखदायक गुरुदेव बचन जब मेरे हृदय में। हाँ बोलो बोलो, जब तक गुरुदेव के वचन हमारे हृदय में हैं, सुखदायक गुरुदेव वचन जब मेरे उर में करें प्रकाश, तो फिर भले शत्रुवन मिलकर सकल विश्व देव त्रास, दे न जगत भोजन तक मुझको और हो न पास में मेरे बित। इनको तो ऐंठ पड़ी है, हम अपने पास से पैसा मंगा लेंगे, तुम मान दे हम मंगा लेंगे, हम घर से मंगा लेंगे, हम खुद ले आएंगे। अरे रे प्रभु, दे न जगत भोजन तक मुझको, हो न पास में मेरे बित, नग्न देखो उपहास करे जन तो भी खिन्न न हो वैचित, तो भी मन में मलिनता नहीं। क्या करें भैया, हमारे पास पैसा हो तो हम बता दे तुम्हें, अब हमारे घर हो तो हम बता दे, अब तुम कह दे भैया जो कहे देव जैसो देने, जैसे राखने राखो भैया। ऐसी दीनता और पराधीनता नहीं है, दीनता और पराधीनता पर के आश्रय से होने वाला विभाव है, स्व के आश्रय से दीनता का परिणाम नहीं, पामरता नहीं, प्रभुता प्रकट होती है। विचारना भाई, जन्म जयंती महावीर की, जन्म जयंती महावीर की, जन्म जयंती महावीर, मंगल जय जयकार करें, मंगल जय जयकार करें, जन्म जयंती महावीर की, जन्म जयंती महावीर, मंगल जय जयकार करें, मंगल जय जयकार करें, वीर प्रभु के हो अनुयायी, वीर प्रभु के हो अनुयायी, घर घर मंगलाचार करें, घर घर मंगलाचार करें, घर घर मंगलाचार करें, घर घर मंगलाचार करें, जन्म जयंती महावीर की, जन्म जयंती महावीर।
लोगों को ऐसा लगता है रंगोली बना लें घर घर, घर घर झंडा लगा दें, घर घर ओम बना दें, घर घर साथिया बना दें, यही मंगलाचार होता है। अरे घर घर में अहिंसा पालन हो, छन्ने का ठिकाना नहीं है, बस साथिया से का हो वो, गुरुजनों का आदर नहीं है, साधर्मियों के पति बात्सल्य नहीं है, द्वारा भिक्षण नहीं है, का होएगो, का होएगो, बस रंगोलियन से का होने, क्यों भाई सोचो, वीतरागता के रंग में रंग जा तब वो रंगोली सार्थक है। घर घर मंगलाचार करें माने घर घर में अहिंसा, घर घर में सत्य, घर घर में अचोर, घर घर में है ब्रह्मचर्यशील, मर्यादित विचार करो, मर्यादित वचन बोलो, मर्यादित चेष्टाएं करो, मर्यादित वस्त्र पहनो, मर्यादित भोजन करो, और ये सब हमारी मर्यादा के बाहर हैं। ज्ञान मात्र स्वभाव की मर्यादा को पहचान। घर घर मंगलाचार का मतलब की है मंगल रूप आचरण, पाप को गलाने वाला आचरण, सुख को लाने वाला आचरण। लोक में कहते हैं जहां सुमत्ता संपत्ति नाना, बाचल्य रूप आचरण हो उसका नाम मंगलाचरण। मंगलाचरण का मतलब इतना नहीं है ध्वजा घर घर लगा दी, उत्सव मनाते खुशी में घर घर ध्वजा लगा देते, घर घर में साथिया बना देते, घर घर में रंगोली बना देते, घर घर पे द्वार और स्वागत। अरे भैया वो तो ठीक ही है, वो तो बाहर की बात है, केवल भीतर की हो तो बाहर में होती है, योग्य होती है, योग्य होती, ध्यान रखना अयोग्य नहीं होती। नृत्य होता है लेकिन अयोग्य नहीं होता, क्या भगवान की ओर पीठ हो गई हल्ला हो रहा हो वैसे ही, अयोग्य नहीं होता, योग्य होता है। मर्यादा का उल्लंघन भी नहीं है और बहुमान भी है, ऐसा बहुमान नहीं है कि मर्यादा रहते, और ऐसी सुस्तता भी नहीं है जो पता ही नहीं है। ठीक है का करने, बच्चे की बर्थडेन जन्मदिन हो तो पूरा घर में उत्सव हो, और महावीर का जन्मदिन हो, ठीक है बेजाने 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 कहा पतो कहा होने। अरे रे बाई जैनी पना भी नहीं है, जिसके अंदर में एक उल्लास नहीं है, बहुमान और भक्ति नहीं है। हम कह रहे हमें क्या कहें, वो हाँ वो एसडीएम वहां मौ में बोले, भैया तुम्हारे महाभाग्य तुम जैन कुल में पैदा भयो, और हमारा भी महाभाग्य है जो हम यहां आकर के खड़े। आप ये तो शांत प्रिय समाज है, इस समाज से तो देश की प्रतिष्ठा है। भैया भगवान से प्रार्थना है, बुजुर्गों से प्रार्थना है, तुम सबसे निवेदन है क्या एकजुट होकर के रहो। माने देखो तो माने हमारे देश की प्रतिष्ठा है। अरस्तु ने क्या कहा सिकंदर से, भारत में दिगंबर साधु होते हैं तुम जाओ उनका आशीर्वचन लेकर के आना। आपको मालूम नहीं है हम कौन है, होश नहीं है, लेकिन एक बात पक्की है जो आपने अपने को समझ रखा भी नहीं हो, है ओंधे सीधे पहन लाए, ओंधे सीधे खा लो, ओंधे सीधे नच मटक लाए, यहां से कछु नहीं होने। मर्यादित वस्त्र पहनो, प्रतिज्ञा कर लेना चाहिए, बहुत बुरा लगता है सच पूछो तो, बद्दा लगता है। मर्यादित भोजन करना सीखो, मर्यादित वचन बोलना सीखो, तो ना माई
चर्च जवाब दे दिया, काहे के त्यागी हो तुम, काहे के सेवक हो, माना भी नहीं हो, गैर जिम्मेदारी के वचन बोलो, चालाकी होशियारी के वचन बोलो, श्रावक भी नहीं है। देखो जिसमें जो दोष हो समझ लेना, हम यहां हम आपको बार बार कह देती, सब जगह कह देती, खुश करने के लिए नहीं बैठे हैं हम, तुम्हें खुश देखना चाहते हैं और पापों को छोड़े बिना खुश नहीं हो पाओगे। ये मत सोचो हमने नहीं मानी तो हम बहुत बड़े हो गए, भगवान की आज्ञा अवज्ञा करके कोई बड़ा नहीं होता, तो क्या करें, पहने नहीं। अरे कौन सा दिन आएगा, कौन सा दिन आएगा, कैसी बातें सोचते हो, अपने पद की गरिमा को पहचानो, गौरव पहचानो। कहानी पढ़ रहे थे तो क्यों भैया, तो दादाजी पहने नहीं, हम क्या करें, ये तो कपड़े अच्छे पहन रहे हैं आजकल, फैशन नहीं है। बोले एक बात बताओ, घर में गुलाब जामुन बरसे तो ढांक के रखोगे, क्या करोगे, मक्खी गिर जाए तो मक्खियों को डंडा लगाओगे कि तुम ढांक के रखे हो, तुम्हारी माँ क्या करेंगी, मक्खियों को डंडा लगाएंगी कि क्यों तुम्हारे हमारे गुलाब जामुन में घुस गई, कह तुम ढांक, तुम पे डांट बताएंगी, ढांका क्यों नहीं तुमने, ध्यान रखना शुद्धात्मा देखने लायक है, दिखाने लायक है, अहिंसा पालने लायक है, पलवाने लायक है, अनुभव ना करें। मंगलाचार का मतलब जय जयकार बस उतनी हो नहीं है भैया, वो भी है लेकिन वो तो बहुत छोटा पत्ता है, इतने मात्र से कृत करते नहीं हो जाओगे। अपनी श्रद्धा को संवारो, सम्यक बनाओ, अपने आचरण को बहुत निर्मल बनाओ। मॉडर्न मत बनो ज्यादा, मॉडर्न मत बनो, अंग्रेजी मॉडर्न हो गए हो, अरे कौन जमाने की बातें कर रहे हो भैया, इसी जमाने की बात है, इसी जमाने की बात है। आज भी पाप से जीव सुख दुखी होता है और धर्म से सुखी होता है। जिन्हें मानता सुख निदान तू पूछ उन्हीं से मन की बात, जिन्हें तुम सुखी मान रहे उनसे पूछ आ, पहले पूछ आ उनसे। विचारना हम ये क्या कह रहे हैं, सवेरे बीच में क्या कहा था, सर्वजीव स्वभाव से समान है, अपने में से दत्त की स्थापना करके आनंदमय जीवन की मंगला शिलान्यास करो, मंगलाचरण करो, सब जीवों के साथ भी उत्तम व्यवहार, जैसा व्यवहार हमें पसंद है अपने प्रति, अपनी विराधना भी न हो जाए और किसी जीव की विराधना भी न हो पाए, सदैव सावधान रहो। हम उनके अनुयायी हैं, इंद्र जिनके लिए सेवक की तरह देखो, इंद्र जिनकी प्रभावना करता हुआ, सेवा करता हुआ अपने को धन्य मान रहा है, हम उनके अनुयायी हैं। वीर प्रभु के हम अनुयायी घर घर मंगलाचार करें, वीर प्रभु के हम जन्म जयंती महावीर की मंगल जय जयकार करें, जन्म जयंती महावीर की जय जयकार करें।
प्रभु के हो अनुयायी, घर घर मंगलाचार करें। कैसे मंगलाचार करेंगे बोलो? अब समय कम है, पालना तुम्हें झूलना होगा, हम क्या करें? लेकिन सदुपयोग की पालना है। हाँ सोचो, मुंडा झूलते हैं झूले में, सातवां गुण स्थान, छठवां गुण स्थान, परमाता 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 परमाता, वीत रागता धर्म हमारा, वीत रागता राग द्वेष को हम छोड़ें, राग द्वेष को तत्वों की सम्यक श्रद्धा कर ज्ञान ज्ञान में ही जोड़ें, तत्वों की सम्यक श्रद्धा ज्ञान ज्ञान में ही खूब जोड़ो, तत्वों की सम्यक श्रद्धा कर ज्ञान ज्ञान में ही जोड़े, तत्वों की परम अहिंसा धर्म हमारा धारें और प्रसार करें, अहिंसा धर्म हमारा जन्म जयंती महावीर की मंगल जय जयकार करें, जन्म जयंती महावीर की अन्न न कोई दुख का कारण, भूल स्वयं को है हैरान, अन्न न कोई दुख का द्रव्य दृष्टि से निज में देखें, आप स्वयं ही हैं भगवान, द्रव्य दृष्टि निज में स्वाश्रय से तो स्वाश्रय से ही अव तो प्रभुवर पापों का परिहार करें, स्वाश्रय से ही अव तो प्रभुवर पापों का जन्म जयंती महावीर की मंगल जय जयकार करें, जन्म जयंती महावीर की जन्म जयंती महावीर की जन्म जयंती वो तो है, क्या करें? बिना बोले बोलो, बिना बोले बोलो, बिना जपे जपो, ये भगवंतों का नाम ऐसा ही है, बिना जपे जो घंटा की झंकार जैसे एक दफे बजाने के बाद गूंजती रहती है, ऐसे जिनेश्वर देव की वाणी हमारे हृदय में गूंजती रहे। रत्नत्रय में निश्चय भक्ति मुक्ति का कारण बनती, गुण चिंतन और तत्व भावना भाव विशुद्धि को करती, गुण चिंतन और ओ निशंक निश्चिंत निराकुल हम सब प्रभु की भक्ति करें, ओ निशंक सब प्रभु की जन्म जयंती आज महावीर की मंगल जय जयकार करें, जन्म जयंती महावीर प्रभु जैसी अंतर दृष्टि हो, प्रभु जैसा पुरुषार्थ हो, हो
हरि प्रभु जैसी अंतर दृष्टि हो, प्रभु जैसा पुरुषार्थ हो, उदासीनता ज्ञानमयी हो, साधि सहज परमार्थ हो, उदासीनता ज्ञानमयी हो, साधि रत्नत्रय की नौका बैठे, भव सागर को पार चलें, रत्नत्रय की नौका बैठे, भव सागर को पार, रत्नत्रय की नौका बैठे, भव सागर को पार करें, रत्नत्रय की नौका बैठे, भव सागर को पार करें, जन्म जयंती महावीर की मंगल जय जयकार करें, जन्म जयंती महावीर की वीर प्रभु के हो अनुयायी, घर घर मंगलाचार करें, प्रभु के हो अनुयायी। देखो भाई, आ गई याद तो कह दें, आपके भजन बुलावा होते हैं, सामग्री बांटते हैं, ठीक है, कभी छन्ने बांट दिया करो पानी छानने के, कभी छन्ने बांट दिया करो प्रोत्साहन में, कभी पुस्तकें भजन की कहानी की पुस्तकें बांट दिया करो, कम पैसे में करना हो तो कोई एक छोटा सा पेम्पलेट बना करके, फोल्डर बना करके बांट दिया करो, महावीर की शिक्षाएं, एक भक्ति भजन अच्छा सा, लेकिन इस तरह होना चाहिए, हल्का नहीं, एकदम की रद्दी की तरह फेंक दो पेम्पलेट, माला बांट दिया करो, माला फेरो, मतलब धर्म के उपकरण भी देना सीखो, बांटना सीखो। इतनी पुस्तकें आई थी, कहां गई, उठा ले जाते, अरे पढ़ेंगे ही तो, काय को घबरा रहे, और मंगा ले, हल्की बातें मत सोचो, हल्का सोच बंद करो, हल्के वचन मत बोलो, और हल्की हल्की बातें मत करो, चेष्टाएं मत करो, धीरे धीरे गंभीर बनेंगे, ये तो बच्चे गाने लगे अब तुम्हारे, धीरे धीरे गंभीर बनेंगे, अच्छा बच्चे धीरे धीरे गंभीर बनोगे तो तुम हल्के कैसे रह पाओगे, सोचो भाई। आयोजनों में प्रयोजन पर दृष्टि रहना चाहिए, जैसे चलने में गंतव्य दृष्टि पहुंचना, ऐसे आयोजन में प्रयोजन पर दृष्टि रखो। और सवेरे भी कहा था और फिर कह रहे हैं, जीवन सफल करने के लिए है, जन्म सफल करने के लिए है, बचने की कोशिश मत करो, कर्तव्य पालन में जी मत चुराओ, बड़ा कष्ट होता है, कष्ट होता है, पढ़ाने के समय में लापरवाही और परीक्षा के समय में नकल कराएं, हालांकि अपने जिले में अब थोड़ी सी बंद होने लगी, हमें ही पेपर बना रहे तो हमें ने आउट कर दो, बताए दे नोट्स कराए, खत्म हो गए, अरे ईमानदारी से पढ़ाओ, ईमानदारी से पढ़ो, एक कोर्स एक साल के लिए है, आपके लिए है, पूरा तैयार करो, गैर जिम्मेदारी कहीं भी अच्छी नहीं लगती, हम बेचारो हम कब आ रहे, पूजा का टाइम हो गया, बाकी चले आ रहे, डायर जल्दी जल्दी करके चल रहे अपने, समय से आना सीखो, सहयोग करना सीखो, शोधन में, सामग्री बनवाने में, प्रचार करने में, है वेदियों की शुद्धि सफाई करने में, अपने रेडीमेड आ गए, अरे किसी दिन देर हो गई तो कोई बात नहीं है, हम ये नहीं कह रहे मत आओ,
लेकिन कम से कम ये सोचो, चलो भाई जल्दी चलो, अरे आज तो सब तैयारी हो गई, देर हो, कम से कम अंदर में लगना तो चाहिए। ये और बढ़िया, ये निकल लो और बढ़िया, और बढ़िया, अब मैं आराम से चलो, नहीं ये व्यवस्था अच्छी नहीं। चाहे भोजन में चौकी में टाइम से पहुंच जाना या 5 मिनट लेट पहुंच जाना, और चाहे पूजा और स्वाध्याय में 5 मिनट रेडीमेड व्यवस्था में आ जाना, और अपने को महान समझना, अपने को बड़ा समझना, महापाप बंध का कारण है, महापाप बंध का कारण। कभी इस तरह की प्रवृत्तियां मन में भी आ जाएं तो धिक्कारो, नहीं उड़ो। अब हम क्या करें, हम लोग तो स्कूल में भी पढ़ाते थे तब क्या कहें, देर हो गई और भोजन बना करके कर रहे हैं, और अगर घंटी हो गई तो थाली ऐसी ढांक दी, उस समय ऐसे नियम तो था नहीं, एक दफे आकर के खाए, थाली ढांकी और पीरियड लेकर के आए, उसके बाद आकर के फिर भोजन किया। काम है तो चले गए, क्या कर गए, अब भोजन कर, अच्छा तो जाओ, कहलवाने की, वो हमसे ऐसे कहते हैं, हमसे वैसे कहते हैं, कहलवाते क्यों तुम, जिम्मेदारी से ईमानदारी से काम करना सीखो, चाहे कहीं भी हो, चाहे किसी क्षेत्र में हो, चाहे सर्विस में हो, चाहे नौकरी में, चाहे व्यापार में हो, चाहे कहीं भी हो, अपना काम ईमानदारी से करो। ये लापरवाह लोगों के लिए तो ये लाइन लिखी है, वर्क इज वर्शिप, तुम अलग से पूजा कर रहे हो, दिखा रहे हो हम धर्मात्मा हैं, और काम चोरी कर रहे हो। नहीं हो सकता, आपके चित्त को शांति नहीं मिलेगी, ना आपको प्रतिष्ठा मिलेगी, ये ध्यान रखना। ठीक है थोड़ी देर के लिए अपने मन को सोच लिया कि ठीक है कछु नहीं, लेकिन नहीं, चोरन के पुर ना बसे, धन की चोरी वाले नहीं, कर्तव्य काम की चोरी वालों के भी कहीं ठिकाना नहीं मिलता। आपको प्रसन्नता कर्तव्य पालन के बिना कभी संभव नहीं, न लौकिक क्षेत्र में न धार्मिक क्षेत्र में। भगवान महावीर के अनुयायी हैं, इस प्रकार की विपरीत वृत्तियों को जो धर्म के निमित्तों से दूर करने वाली हैं, अरे धर्म आत्मा से दूर करने वाली तो है ही, धर्म के निमित्तों से भी दूर करने वाली हैं। चलो यहां से, चलो यहां से, चलो यहां से, चलो यहां से, बिना मन के रह रहे, व्यवस्थाओं के मारे रह रहे, मजबूरी में रह रहे, अरे काय को भैया, ऐसी इतनी उलझने आती हैं, रहना मुश्किल हो जाता है। महाभाग्य से ये अवसर मिला है हमें, महाभाग्य से। अपने कर्तव्य को पहचानो, अपने पुरुषार्थ को जगाओ, अपनी भावना को बढ़ाओ, ये मत सोचो इनसे कह रहे, इनसे कह रहे, इनसे कह रहे, हमसे कह रहे, ये सोचो। ऐसा दोष अपने में हो तो दूर कर लेना, औरों के दोष देख देख करके कसाई मत होना, माने शिकायत मत करना, इस निंदा मत करना। हम तो ये कहते बहुत अच्छी बनाओ, सीधी बात तो ये है, ना हमें पैर छुपाने में अच्छा लगता है, ना हमें कुछ कुछ कहने में अच्छा लगता है। बहुत अच्छी बनाओ, अपने कर्तव्य को पहचानो, लक्ष्य को पहचानो, कितना बड़ा हमारा लक्ष्य है, काय के लिए हम यहां है, काय के लिए है। और फिर शासन नायक महावीर भगवान की, तब जय बोलो, कैसी बढ़िया लाइन लिखी है उसमें, कभी अर्थ किया है तुमने, बच्चे गाते हैं, अकलंक संबन कर कहो जय वीर प्रभु की, अकलंक संबन कर, वैसे ही जय बोल रहे, अकलंक समान बन करके कहो,
प्रभावना का संकल्प, संयम का संकल्प, ज्ञान का अभ्यास, श्रद्धा की दृढ़ता। अब जय बोल रहे कैसी बढ़िया भक्ति है। ज्ञानी बनो, दानी बनो, बलवान भी बनो। अरे ये दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है, पाप से पाप छोड़ो, सबरे दर्द खत्म। पाप छोड़ो, सच कह रहे हैं, सबरे दर्द खत्म हो जाएंगे। पाप छोड़े बिना दर्द कभी नहीं मिटेंगे, कभी नहीं मिटेंगे। क्यों, दर्द की दवा तो यही है, अपने दुखों की दवा मांगते। तो दवा कौन सी है, दवा बोलो, बताओ, सोचो समझो। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूप।